Happy birthday to you. बाबू वो क्या बोल रहे हैं? बेटा उछाल, ये देख बच्चे, चलो बन गया। मम्मी तेरी कितना ही पकड़ो, मुझे ज्यादा फको हो जा रहा है, नाराज हो जा रहा फिर। अरे भटूरे वाली शेप नहीं आ रही। अच्छा यार, तो ये तो बन गया, उसके लिए तो भटूरा चाहिए। हाँ ये थोड़ा इधर को फैला था, चलो हो गया। अरे डिस्टर्ब मत करो यार ऐसे सामने। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। नहीं नहीं जा नहीं रहे, व्लॉग मारने के तैयार हो रहे हैं। तो आज है अपने बादू के भी बज रहे हैं दिन के 2 और आज बुबू का बर्थडे है। आज बुबू का बर्थडे नहीं, बुबू का बर्थडे था दिसंबर 6 तारीख को, लेकिन बुबू को पता ही नहीं था। मुझे लगा कि बुबू का बर्थडे आज है, तो बुबू कहने लगे बेटा मुझे तो पता ही नहीं मेरा बर्थडे कब है। फिर उन्होंने अपना आधार कार्ड वगैरह देखा तो उसने पता चला कि 6 दिसंबर 1942 के पैदा हुए हैं बुबू। तो कोई बात नहीं, 46 अच्छा 46 में पैदा हुए, तो एक महीने बाद बुबू का बर्थडे बन रहा है। तो बुबू हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं सब लोग। हैप्पी बर्थडे। आप थैंक यू बोलोगे? आप थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ हैप्पी बर्थडे थोड़ा बोलोगे? मेरे को बताना पड़ेगा, मैंने कभी मनाया नहीं बर्थडे। उनको पता भी नहीं था बर्थडे कब है। नहीं तो ममता बनाती थी ना यहाँ। और आज साथ में ही हमारे पहले किरायेदार, मतलब मेरी शादी से पहले जो किरायेदार थे वो भी आए हुए हैं, नैनू की मम्मी आंटी जी। हेमंत ने मुझे बोला, नहीं हेमंत ने मुझे बोला कि ऊपर आंटी का वीडियो बना, आंटी बड़ा अच्छा वीडियो बनाती है। वो रोज बोलता है, नहीं पहले भी बोलता है वो कि अगर नैनू की मम्मी होती तो कितना डांस कर देंगे यहाँ पे, डांस अगर नाचने दिए डांस करती है। अच्छा मेरे पैर पैरी नहीं है बुबू, मेरे दलड़ी ठहरे हैं। अच्छा तभी आप आते ही दौड़ते हुए ऊपर आए बुबू से मिलने के लिए। हाँ तो अभी ये लोग यहाँ नहीं रहते, मतलब जहाँ पहले यहाँ के लोग रहते थे ना वहाँ पहले ये लोग रहते थे, अब ये लोग यहाँ से चले गए। ये लोग इधर ही कहीं आसपास में रहते हैं। तो हेमंत ने मुझे बोला, मतलब पहले भी हेमंत ने कई बार बोला है कि नैनू की मम्मी बहुत अच्छे व्लॉग बनाती है, उनके साथ वो आएंगे तो उनके साथ व्लॉग बना। तो अभी हेमंत ने कहा जा आंटी इनके को दिखा दे कि ये हमारे पहले किराएदार थे। तो ये लोग बैठ के यहाँ पर धूप वूप सेक रहे हैं, अभी 2 बज रहे हैं। हेमंत और पापा इंतजार कर रहे हैं खाने का, हमने कब से खाना बनाया लेकिन हमने खाना नहीं दिया उन लोगों को, अभी तो वो नीचे बैठे हुए हैं। तो आज बुबू का बर्थडे मनाने की सोच रही हूँ, अभी मार्केट जाऊँगी। मैंने बुबू से बोला क्या खाना है आपको बता, बुबू ने नहीं बताया मुझे। जो मर्जी खिलाओ। जो मर्जी क्यों खिलाओ, कुछ बताओ, कुछ होगा आपका फेवरेट? आपका फेवरेट तो पनीर ही हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है ना। बुबू बोलते थे पहले नैनू तू और मैं पनीर अच्छा मानते हैं। अच्छा आप भी पनीर अच्छा मानते हो? अच्छा आपकी बेटी? हाँ वो अच्छा मानती है ना। अच्छा अच्छा गाइस बुबू ने अपने आप को खुद को बर्थडे गिफ्ट दिया है अपना। बुबू अब मेरा ट्रैक सूट खरीद के लाए है और ये रहा। अच्छा लग रहा है बुबू, बढ़िया लग रहा है। ये रही पैजामा इसकी और ये रहा ट्रैक सूट बुबू का। शाम को पहनना उसको बर्थडे के टाइम पे। केक काटूंगी ना आपका? हाँ हाँ काटूंगी, अरे काटूंगी बुबू, सबका कटवाती हूँ मैं घर में, आप सबसे बड़े हो इस घर के। ये देखो देखो बुबू का, वो देखो बुबू का ट्रैक सूट, देखो क्या सुंदर लग रहा है। बुबू ने खुद को दिया गिफ्ट। खुला है क्या? अच्छा लग रहा है ना, मैं भी कही ना अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश सा लग रहा है अंदर से, लेकिन रेड कलर है वो तो काफी वो है कपड़ा, तो मोटा है ना वो गर्मी ठंडी के हिसाब से। तो काफी महंगा है भाई। है महंगा है? अच्छा ऐसा कैसा ब्रांड था जो तुम देख के बोले ओ बहुत महंगा है ये? महंगा है, सस्ता लग रहा था। बुबू भी इतनी महंगे महंगे चीज लाने लग गए, तो तुम ही ले सकते हो महंगी चीजें, बुबू नहीं ले सकते हैं। बुबू अपना ये 5-6 लाख के मोबाइल लेके जब वो घूम रहा है अलग अलग, और आपको बोला है महंगा है। लोगों को मत बताओ, नजर लग जाएगी बुबू आपके ट्रैक सूट पे। मैं और मोटी जा रहे हैं, हेमंत को अभी ब्रेक मिला है आधे घंटे का लंच ब्रेक, तो बुबू के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देखने के लिए। मैंने सोचा था बुबू के लिए मैं लेकर आऊंगी पैजामा, लेकिन बुबू ने अभी जस्ट अभी ट्रैक सूट दिखा दिया अपना, तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या लेकर आए बुबू के लिए। सोच रहे हैं या तो स्वेटर या मे बी शूज या केक वगैरह, जो भी है हम देख कर आएंगे अभी जहाँ टाइम है, क्योंकि हेमंत को बस आधे घंटे का मिला है। और थोड़ा बहुत सोचो कि रात को छोले भटूरे बनाती हूँ,
तो उसकी रेसिपी देखी थी, क्योंकि मुझसे कभी भी छोले भटूरे में ना, छोले तो अच्छे बनते हैं हेमंत को पता होगा, भटूरे का कचरा बन जाता है, भटूरे का भटूरा लगते ही नहीं है, वो कुछ और ही हो जाती है। तो मैं जा रही सामान वामान लेने के लिए, मैं मोटे को भी साथ में ले आती हूँ, अकेले बोर हो आती हूँ मैं, तो सामान वामान लेते, बहू बहुत खुश थे पता है, अकेले है ना, इतने साल हो गए अम्मा को मरे हुए, तो अपने लिए खुद सामान लेकर आया, खुद बहुत खुश हो गए हमने ना, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोटेक्ट, बहू इतने खुश हो गए, मैंने कहा आप रात को पहनना हो जब केक काटोगे, तो फिर मैं सोचा बहू को कुछ गिफ्ट भी देती हूँ, तो बस हम लोग मार्केट आ गए, जो लेंगे दिखा दूंगी मैं आपको, क्या पता कितनी दुआएं खाते हैं उनकी, ये आ गया हमारे बूढ़े लोग, नहीं होते पे केक दिखा दे, एक मिनट बूढ़े लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। ये बात भी, ये दादाजी का केक है, ये भैया गप मारे बूबू के, कह रहे कि अगर बूढ़े नहीं होते तो हम नहीं होते आज। सही बात, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है और कुछ नहीं, बूबू भी खुश हो जाएंगे, दुआ से काम बन जाता है, कल कोई पैसे से भी काम नहीं बनता। हाँ सच बात है ये गाइस, बुबू के बर्थडे के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, शिफ्ट जल गया ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरा मसाला, यहाँ पर बन रहा है मेरा पालक पनीर, मटर पनीर बन रहा है, इधर बन गए हैं छोले, और छोले के साथ भटूरे बनाऊंगी, और साथ में ही मैं बनाऊंगी इसमें आज कुछ अलग, मैं रोज बूंदी का रहता होता है, मैंने सोचा आज चूना बचे का रहता कर दिया जाए, एक मिनट ना गाइस मेरा इस वक्त मसाला चल रहा है, एक मिनट। अब बताओ आपने क्या किया, बताओ जल्दी, अरे बोल, अच्छा मैं बताती हूँ, आओ फिर, ये अपने बर्थडे के जितने बलून्स थे सब पता नहीं किससे उखड़वा उखड़वा के बुबू के बर्थडे के लिए ले आई, गई नानू का बर्थडे किया ना आपने, आप लाए ना नीचे से उठा के, और भैया को भी लेकर आए थे ना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, अभी बलून लगाओ, जाओ जाओ लगाओ जाओ, बलून लगी तो बुबू कहते रहे, मैं कहा जाओ लगाओ, वहां लगाओ पीछे, वो जहाँ नाना बैठे है ना, नाना उसके पीछे, बुड्ढे नानू का आज बर्थडे है, मेरे को जाना है ऊपर, मैं कहता टोपी बजरी की टोपी ले आने थी, सही हुआ था पूरा आता। आता है लगाना आपको, नहीं आता, मामू लगाएंगे अभी आके, हाँ ठीक है यहीं पर रख दो उसको, और कुछ है नीचे से लाने वाला, और कुछ है नीचे से लाने वाला, अब नहीं सब आ गया, हैप्पी बर्थडे का बैनर भी था वो भी लाओ, तेनालीराम क्यों बुलाएंगे हम, हैं तो बुला के आना ठीक है, जब जब केक काटे ना तो बुलाना ठीक है, चाची बताओ जैसी बताओ बर्थडे है, हमारी चाची जस्ट हमारी गली के नक्सली गली में रहती है, बता रखा है तूने चाची हमारे घर के कितने पास रहती है, सबको पता है, सबको पता पास, केक तो खुशी को भी चाहिए है, खुशी केक खाना आपको, खुशी पार्थ भाई खुशी ऐसे हंसते वाली पापा, क्या हंसते बैठ गई, खुशी तो शर्मा के जानी होगी, आज कल ना पार्टी को परेशान को बुरा लग रहा है, उसने बोला मुझे नहीं जाना ब्लॉग बना देती भाभी, तो खुशी के साथ मजा मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आ ही नहीं रहा हूँ, मैं कहता चाचा मैंने आज मैं भाभी से बोलूंगी मत बनाना रे पार्टी को शर्मा, मैंने कहता दिया मामा है छोटा मामा, वो बड़ा मामा ये बुढ़ा मामा, अच्छा हमें सीधा मामा बना दिया, मामा तो पहले से नहीं, मामा खुशी का मामा बना दिया, हाँ, प्रतीक को हाँ, तो पोजीशन पोजीशन डिग्रेड कर दी, खुशी अरे मंच में क्या कह रहा हूँ, पोजीशन डिग्रेड कर दी, वो बेचारे कहते हैं कि वरना खुशी सौर होता, प्रतीक प्रतीक आपके छोटे मामू है, नहीं है ना, खुशी तो मना कर रही है, अरे वो मना कर रही है, खुशी है मामू है ना, छोटे मामू आपके मामू है ना, अभी मना कर अभी हाँ बोल दिया, अब ब्लॉग का कंफ्यूजन खत्म हो गया, अब खुशी ने कंफर्म कर दिया कि मामू है, नहीं तो ये बड़ा मामा है, वो बड़ा मामा, तो गाइस हम केक काटने की तैयारी भी करने वाले हैं, अरे बुबू का गुब्बारे खुशी ने, इस पे मैं नाम लिखूंगा, क्या क्या पता है अपने बर्थडे के सारे गुब्बारे एक एक करके लाके यहाँ रख दिया, मैं गई बुबू के तो गुब्बारे लाए, मैंने कहा नहीं मैं तुम लाए अंदर, देखा सारे गुब्बारे फटे रहे अपने बर्थडे नाना, बुड्ढे नाना और अपने भाई को लेकर आगे दौड़ाते थे, तो मंत्री इस पर कुछ लिखना है बताओ, मैं लिखने का नाम क्या है, बुबू का नाम है गौरी दत्त कौटिल्य, बुबू का नाम नहीं पता, हे भगवान हद है यार मंत्री, बाकी सबको पता है बुबू का, अरे बुबू लिखेंगे ना नाम नहीं थोड़ी लिखेंगे, ये हो रही है डेकोरेशन, तो घर का ऐसा हो गया है लड़कियों वाला,
अरे रुक तो सही, लिखना नहीं है क्या? लिखने के लिए कुछ दिया ही नहीं ये रहा ना मेरे हाथ पे है, ये काले में तो दिखाई नहीं देगा, दिख जाएगा, मैं लिख देता हूँ। पिंक है ये, पिंक है बुबू की बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई है। हाँ मम्मी क्या कर रहे थे? बुबू कितने साल के हो गए आज आप, ये तो बताओ कितने साल के हो गए? उसको ला जी, छोटों को भी ला लेते हो? आपको तो मैं भी नहीं बोल सकता, आप बूढ़े हो गए, आप तो ऑलरेडी बूढ़े हो। 77 अच्छा, बुबू तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे काटो बुबू, खाओगे तो? अरे खाओगे, काटो, खिला खिला बुबू को, खिला खिला दे, खिला दे, खाओ खाओ खाओ। चले पहले बर्थडे बॉय खाते हैं आज, आज हम बर्थडे बॉय हो, आज बर्थडे बॉय कौन का बॉय केक खिलाएंगे? बर्थडे बॉय कौन का बॉय? ये देखो अब आ रहे हैं, ये बड़े बॉय, अब एक ही केक बड़े को सरप्राइज किया, अब छोटे बॉय खिलाएंगे। तुम लोग लेट हो गए, पेनल्टी लगी, बैठो बैठो बैठो, मैंने लगा लिया है अभी, बोल दो ना वो क्या बोल रहे हैं? जा के खिला, मैं दादा को 500 का नोट मिलेगा अभी तेरे को, जा जाते जाते क्या पता 500 के नोट कमा लो। बोल महंगाई का जमाना है, 1000 से कम नहीं लूंगा। चल बढ़ती पीयूष, छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, काम ज्यादा ही देखो वो केक खिलाना, प्रतीक खिलाना, खोलो खोलो। अच्छा मम्मी भी खिला रही है, सब खिला रहे हैं अभी, खोल के देखो बाबू, अभी नहीं बोलना, बाद में बोलना है। हाँ कुछ है नहीं ऐसा, वो डायमंड प्रतीक थोड़ा सा पीछे, प्रतीक थोड़ा सा पीछे, ठीक है बढ़िया है, ठीक है पहन नहीं पहना, चलो कोई बात नहीं। तो खुशी कैसे लगा आपको अपने नानू का बर्थडे सेलिब्रेट करके, बताओ बताओ कैमरे में देख के बताओ। अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके दादू कितने साल के हो गए पता है आपको? हमको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, हमें क्या पता, नानू को नहीं पता। 48 मम्मी मम्मी कह रही 48 78 बुबू बुबू जवान हो गए हैं, खुशी आपके दादू जवान हो गए। तो गाइस हो चुका है बुबू का बर्थडे सेलिब्रेशन, अब सबको केक कट करके खिलाते हैं और फिर शुरू होगी डिनर की तैयारी। पहले होगा बटवारा, डिनर मैंने बताया सबको, मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, सच बता रहा हूँ मानसी, आज हल्दीराम्स के छोले से ज्यादा टेस्टी हो रहे हैं तेरे बनाए हुए छोले, भगवान कसम। ये लच्छे वाला प्याज, इसमें भी मसाला डालूंगी, ये हरा चटनी है धनिया की, ये नाइस, वेरी नाइस, पुदीना का रायता है बेसिकली, बट हम इसको हरा चटनी बोलेंगे, हमसे पहाड़ी थोड़ा सा दिखाऊंगा। इसमें मटर पनीर है और इसमें छोले हैं, कलर देखना कैसे क्या रखा, थोड़ी देर बाद बनेगा इसमें भटूरा, थोड़ा भटूरा। आज ये दिन में से भटूरों की इतनी तगड़ी प्रिपरेशन कर रही है कि आज एकदम परफेक्ट वाले सामान लाए, यूट्यूब में एकदम परफेक्ट वाले भटूरे चाहिए इसको, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत गड़बड़ हो गई थी भटूरे के चक्कर में,
मेरे को लास्ट टाइम का याद है इसलिए मैंने बताया। मंत्री ये तो बता केक डिस्ट्रीब्यूट करने में कितनी दिक्कत हो रही है तेरे को? अरे केक बड़ा था तो सही रहता ना, छोटा केक ले आए, छोटा हो भी नहीं था, खैर छोटे से बड़ा वाला था। कितना किलो का था याद नहीं है? एक किलो का लाए थे। एक किलो तो का आधा किलो कह रही थी, मैं तो एक किलो ले आया तब भी। चलो तो देने वाला, हम चलते हैं मेरे अंदर। एक तेरा एक मेरा। मम्मी का चाची ने नहीं खाया? चाची ने खाया, वो कर रही है बॉडी बना रही है। अच्छा चाची वेट लूज कर रही है। नो कैलोरीज, लो खा, मम्मी को भी खा। से नो टू एक्स्ट्रा कैलोरीज है। यस, बट हम तो नहीं बोलते नो, हमें तो जितना मिले सब खा जाओ, बस पेट मेंटेन रहना चाहिए अपना। गोल मटोल कम लग रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रोटी बनाते थे, मैं ऐसे जाऊं। आपने खाया नहीं अभी तक? वो तो कर रहा था, अभी आएगी ना, खाऊंगा, टेस्ट करके देखना, बहुत टेस्टी बनता है, सच बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट है, बूंदी के रायते से अच्छा लगता है। मेरा भी एक फेवरेट है। चलो आज को 5000 रुपए झाड़ लेते, मैं आपकी भूख बन जाऊंगी। इतने डिस्काउंट पे बन रही है, एक तो 5000 रुपए में, पता कितना देते हैं, 2000 पर पर्सन। आज तो चार हो, मिल रहा है तो बहुत बहुत ढूंढो कामली जी। कामली कह रही है चाची भी 5000 रुपए इतने बोलो, फिर घर का रास्ता ले आओगे बोलो। तो अभी खाने की तैयारी है? अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ, फिर तुम्हारी खाऊंगी। ठीक है मानसी, एक बार फिर से उछालियो वाला, अच्छे से यूं उछालना। आज तो लग रही है असली शेफ ये, है ना चाची? बेटा बिल्कुल सही, मेरी ऑडियंस भी है, मेरी ऑडियंस भी है, ऑडियंस खड़ी है देखने के लिए। कहीं ऊंचा सर ना गिर गया ना, नहीं है चाची, रात में खाना स्कीप हो जाएगा। मुझे तो लग दूं दौड़ के सारा इसको उछाल, कभी पता लगे ब्लॉक के चक्कर में उछालने में हो गया जी, आज भूखे सो रहे हैं। बेटा उछाल ये देख, बच्चे चलो और ये भी करना पड़ता है गर्मियों में, सॉरी सर्दियों में, ये तो सही हो रहा है, सर्दियों में ये भी दिक्कत है यार, है कपड़े ऊपर करते रहो। शेफ को साइड करके दूसरे शेफ आ गए हैं मैदान में, सबसे पहले सफाई मैदान में, किसको आ नहीं रहा, एक शेफ को अलग करके दूसरे शेफ आ गए हैं। तो सही बात है, मीनिंग यही है, नहीं बना पाए एक्सेप्ट करो ना चीज को, ये करना नहीं आ रहा और क्या, असली तो बेटा यही है। रिप्लेस तभी किया जाता है जब नहीं कर पा रहे, ऐसा है ना, दिस इज द ट्रूथ, यही है सच, नहीं हो पाया तेरे से, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तेरे को अभी। पहले ये नहीं बोला था तब भी तुझे दिक्कत थी, और अब बोला है प्रैक्टिस करेगी तो प्रैक्टिस करेगी हो जाएगा। चाची आएगी अब, चाची को दे रहे हैं, चाची को जाओ, चाची अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, ये देखो वो देखो उधर देख उधर देख, ये पट 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 पट, जब तक आवाज नहीं तब तक भटूरे नहीं बनते, ये भटूरे चिपक गया रे, ये एक्सपर्टीज भी खराब हो गई। रुक जाओ भाई, अगर आप भटूरे अच्छे नहीं बने तो बहुत मेहनत की है सबसे, कोई बात नहीं, पूरे आटे को एक साथ कढ़ाई में डालो, सबका खत्म हो जाएगा, मम्मी गिरी पहले छेद वाला बना दो तुम, एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ। मम्मी तेरी कितना ही वो हो ज्यादा फोको हो जा रहा है, नाराज है जहाँ फिर पर भटूरे वाली शेप नहीं आ रही यार, तो ये तो बन गया, उसके भी तो भटूरा चाहिए। हाँ, ये थोड़ा इधर को फैला था, अरे डिस्टर्ब मत करो यार, ऐसे सामने जब खड़ा हो जाता है ना इंसान तो वैसे ही वो हो जाता है, पजल देख लो, बनाने प्रेशर आ जाता है इंसान पे, देख लो इधर का कर लो, अब बनेगा, बन गया, अब बना। मम्मी ज्यादा ज्यादा करो मत, फिर ऐसे खींच दो बाद में, नहीं तो फिर नाराज हो जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हो, ये देख फाइनली इनका भटूरा बना, मैं क्या कहता फाइनली इनका भटूरा बना, और अब हम इनको खाएंगे। अब तो मेरा वीडियो क्यों बना रही है, खुशी नहीं होगी इतना तो टाइम बाद हरा भटूरा बनाया, बन गया, बन तो गया भाई। मम्मी तेल बाहर गिर रहा है। हाँ भाई पीयूष, कैसा बना है? और भटूरे लीजिए, ले ले, शर्मा मत। कैसा बना प्रतीक? टेस्ट कैसा? बहुत टेस्टी।
खुशी आपको सब देखना है क्या हो रहा है किचन में है? आपको भी दे दूं? खाती नहीं, आप भी खाओगे? आपको भी खाना टेस्टी टेस्टी खाना टेस्टी टेस्टी खुशी को टेस्टी टेस्टी देंगे। खुशी कहती है भैया मामू बहुत टेस्टी बनाया है, ऐसे बोलती है खुशी। लेके जाओ अपनी थाली लेके जाओ, चम्मच भी ले। खुशी आपको खिलाऊं अपने हाथों से? अच्छे भी नहीं हो, हाथों से दिखावा कर रहे हो। खिला दूंगा उसको मैं, छोटी है, गरम हो रखा है। नानू के बिस्तर में खाना मत गिराना। तो गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, बाकी सब लोग डिनर कर रहे हैं। चाची का ब्लॉग एंड, ओहो चाची आ जाओ ब्लॉग एंड करो आज आप। क्यों बता? बोलो सबको कि हमारे ब्लॉग्स देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सब देखो। जितने झड़ी छा रिश्तेदार परिवार वाल सब देखो, सब अपने स्टेटस में लगाओ, लगाओ देखो। और और बस और बाय बाय, पेनल्टी पड़े। हाँ नहीं पेनल्टी क्या लोग करोगे, कोई नहीं पेनल्टी तो अभी पड़ी है ना। देखो यार प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलो गाइस ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा आज बुबू का बर्थडे, बुबू से बाय बाय करवाते हैं। बुबू आज के ब्लॉग में बाय बाय तो बोल दो सबको, बाय बाय, गुड नाइट बोल दो और थैंक यू बोल दो सबको। गुड नाइट, थैंक यू मेरा बर्थडे देखने के लिए, मेरी बर्थडे यात्रा नंदा देवी देखने के लिए। चलो ठीक है ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।